नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा तिवारी और आप देख रहे हैं जब वक्त हो गया है मुंबई की कुछ खास खबरों का। मुंबई में फिर लगी आग। जीएसटी ऑफिस के बाद अब लोअर परेल के मैराथन फ्यूचर एक्स बिल्डिंग में आग लग गई है। इस इमारत में इसराइल दूतावास और जी एंटरटेनमेंट का ऑफिस है। नकली शराब बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पालघर लोकल क्राइम ब्रांच की वसई टीम ने एक नकली शराब बेचने वाले गिरोह के 3 लोगों को पकड़ा। जूनी बोतल में नकली विदेशी शराब भरकर ग्राहकों को बेचता था यह गिरोह। भिवंडी मनपा का 880 करोड़ का बजट पेश। बजट में भिवंडी करों पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है। मनपा आयुक्त प्रवीण आस्टिकर ने आर्थिक बजट के माध्यम से शहर के सर्वांगीण विकास किए जाने का भरोसा दिलाया। मुंबई करों के लिए कुछ खबरें। यात्रियों के सुख सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्टेशनों पर सलोर अस्पताल खोलने का फैसला किया। जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय का हत्या करने वाला हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने फल विक्रेता सचिन दिनेश और इसके साथ ही जितेंद्र हरेराम को घटना के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पवई में मामूली विवाद के बाद एक फल विक्रेता ने की थी उसकी हत्या। मुंबई के ओसीवारा के आदर्श नगर इलाके में 19 साल की लड़की खुले नाले में गिर गई। शव बरामद। बच्ची को बचाने के लिए अभियान चलाया गया था लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। प्रशासन ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सेक्स चेंज करवाकर महिला से पुरुष बने पुलिस कांस्टेबल ललित सालवे ने की शादी। पहले ललिता के नाम से जाने जाते थे ललित। एक लंबी लड़ाई के बाद ललित ने 2018 में मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में करवाया था अपना सेक्स चेंज। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवनेरी किला पहुंचकर मनाया शिव जयंती। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी शिवनेरी में शिव जयंती मनाई और किले के विकास के लिए 23 करोड़ देने की घोषणा की। राकेश मारिया की पुस्तक ने मचाई महाराष्ट्र में सियासी हलचल। बीजेपी एमएलए अतुल भाटकरकर ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र, दोबारा जांच करने की मांग। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह की मुंबई की कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।